कहा आपने दो दो चुनावों में जो हमारे समाज को तोड़ रहे थे उनको ऐसा जवाब दिया कि वापस कभी इधर मुड़ के नहीं देखते हम। इसी जज्बे को मैं बहुत प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज आप सबके साथ कुछ चंद मिनट आपके साथ बिताने का मौका मिला। मैं सबसे पहले मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथियों को, मेरे वरिष्ठ नेतृत्व को सबको अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सबकी मैं आप सबके पास क्षमा प्रार्थी भी हूं कि इंडिविजुअल नाम नहीं लेके अब मंच को, सम्मानित मंच को एक साथ नमस्कार करता हूं और एक साथ नमस्कार करता हूं आप सबको भी जो आप जिस स्नेह के साथ, जिस भावना के साथ आज आपने स्वागत किया वो स्वागत बिरलो को ही मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। आपने कर्जा चढ़ा दिया, आज कर्जा चढ़ा दिया। पहले तो भाई साहब ने आज देवबंद में ऐसा भोजन कराया, मक्खन सफेद वाला गांव का, हम तो उसको लुनिया मक्खन बोलते थे, यहां क्या बोलते हैं, नैनी घी। अब क्या करें, सारे एक के बाद एक कर्जे चढ़ा दिए। अब आपका ये अश्विनी भाई कर्जे उतारने तो पड़ेंगे, ब्याज के साथ उतारने पड़ेंगे, अकेले से नहीं उतरेंगे, सबको एक साथ जाके मोदी जी को बोलना पड़ेगा भाई कि भाई सहारनपुर, कैराना, आसपास के सारे क्षेत्र, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास के कुछ नए काम देने पड़ेंगे। साथियों, 2014 से पहले, 2014 से पहले उत्तर प्रदेश के प्रति कितना अन्याय होता था, कैसा भेदभाव होता था, मैं उसकी एक मिसाल दूंगा, फिर आपके सामने रखूंगा किस तरह से मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के प्रति पुराने अन्याय को एक तरफ रखकर एक नई विकास की धारा लेके आई है। इतना बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी जनसंख्या, पूरे अगर यूरोप को देखें, जर्मनी 8 करोड़ जनसंख्या, फ्रांस 4 करोड़ जनसंख्या, बड़े बड़े राष्ट्रों से ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, इतना विशाल प्रदेश। कांग्रेस की सरकारें दिल्ली में जब थी क्या देती थी उत्तर प्रदेश को रेलवे के लिए, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इतने बड़े प्रदेश को मात्र देते थे 1108 करोड़ से इतने बड़े प्रदेश में जैसे ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं। भाई ऊंट देखा है ना, मैं तो राजस्थान से आता हूं, रेगिस्तान से आता हूं, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं था। अन्याय था, जानबूझ के अन्याय था। क्यों? सोचते थे उत्तर प्रदेश तो हमको हमेशा वोट करता ही रहेगा, क्यों चिंता करें उत्तर प्रदेश की। ऐसी भावना के साथ सरकारें चलती थी, ऐसे विचारों के साथ सरकारें चलती थी। मोदी जी ने आके 2014 में ऐसा परिवर्तन किया। साथियों, आज उत्तर प्रदेश को रेलवे के लिए 14,761 करोड़ रुपए मिलते हैं, 14,761, कहां 1,000, कहां 14,000। ये परिवर्तन इसीलिए आज जमीन पर दिखाई देने लगा है। कांग्रेस के जमाने में रेंगती थी गाड़ियां,
ऐसी हालत होती थी कि आज किसी ने प्रोजेक्ट के बारे में सोचा, नई लाइन बनाने के बारे में सोचा, तो शायद उसका पोता भी उसका मुंह देखे, क्या भरोसा। दादा ने सोचा, पोते देखे नहीं देखे कोई भरोसा नहीं। ये कांग्रेस का था भाई काम। ऐसी थी सरकारें, 60 साल तक एकदम देश को पीछे करके रख दिया। साथियों, एक दिन में मात्र 4 किलोमीटर नई रेलवे ट्रैक बनाते थे। आज मोदी जी की सरकार एक दिन में 12 किलोमीटर, तीन गुना काम, ऐसी तेजी से काम कर रहे हैं। केवल पटरियां नहीं, स्टेशन, नए जमाने की ट्रेन, आप सबकी सेफ्टी के लिए कवच, एक 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 क्षेत्र में अगर देखोगे, देश को एक नई दिशा दे रहे हैं, देश को एक नई दिशा दे रहे हैं। मैं आपको एक पर्सनल बात बताता हूं, आपको एक पर्सनल बात बताता हूं। मोदी जी ने हमको बोला, स्टेशन ऐसे बनाने हैं जैसे दुनिया में सबसे अच्छे स्टेशन होते हैं, यूरोप में जाओ, जापान में जाओ, जैसे स्टेशन मिले उनसे बेहतर स्टेशन बनाने हैं। हम लोग लगे काम में। पीएम साहब ने हमको 50 स्टेशन का दिया था टारगेट, 50 स्टेशन का डिजाइन बनाया, 3 महीने लगे, पूरा डिजाइन बनाया, आर्किटेक्ट आए, इंजीनियर आए, टाउन प्लानर आए, सबके सब लोग आए, बैठे 8-8 घंटे लंबी बैठ के चलती थी, सब डिजाइन बनाए, डिजाइन बना के लेके गए। प्रधानमंत्री जी ने 2.5 घंटे का समय दिया, पूरा एक 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 स्टेशन का डिजाइन देखा। 2.5 घंटे के प्रेजेंटेशन के बाद में पीएम साहब के चेहरे पे खुशी नहीं थी, पीएम साहब के चेहरे पे मुस्कान नहीं थी, मोदी जी के चेहरे पे हां नहीं थी, क्या भाई हां आगे बढ़ो, नहीं, वो हां नहीं थी। हम मुंह लटका के बाहर निकले, सोचते थे कि क्या हुआ ऐसा, इतनी मेहनत की और पीएम साहब खुश नहीं हुए, हां नहीं बोला, आगे बढ़ने का नहीं बोला, पीठ नहीं थपथपाई। दोस्तों, नेतृत्व क्या होता है? साथियों, देश को आगे ले जाने का जज्बा क्या होता है, वो इस उदाहरण में है। रात में 11 बजे पीएम साहब का फोन आता है, बोलते हैं, अश्विनी जो डिजाइन लेके आए थे आज के लिए तो बहुत अच्छी है, मुझे ऐसे भारत का निर्माण करना है जिसमें आज से 50 वर्ष तक भी ये स्टेशन उस शहर की सेवा करता रहे जिस शहर में स्टेशन नए बने। ये होती है साथियों दूरदृष्टि, ये होती है साथियों देश का भविष्य के निर्माण करने का जज्बा। ऐसे बनता है देश, वैसे नहीं बनता था कि मौनी बाबा विदेशों में जाए चुपचाप खड़े रहे। आज मोदी जी जब विदेश में जाते हैं शेर की तरह, सारे देश के नेता उनसे मिलने के लिए समय मांगते हैं। दोस्तों, वो समय गया जब हिंदुस्तान की बात कोई नहीं सुनता था। आज दुनिया में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, हिंदुस्तान की तरफ सारा विश्व देखता है, हिंदुस्तान की तरफ सारा देश देखता है, सारी दुनिया देखती है कि ये देश है जो भविष्य का, आज का लीडर है। ऐसा नेतृत्व हमारे सामने। साथियों, आप मुझे बताओ, हम इस भूमि पे खड़े हैं, कुछ वर्षों पहले कैसी हालत होती थी, माफियाओं का राज होता था, किसी भी तरह के कोई भी अच्छे काम के लिए बाहर निकलने से लोग डरते थे, पलायन होने लग गया था। आज जो समाज के प्रति अन्याय करते थे, आज उनके मन में डर है,
आज वो भाग रहे हैं, आप आराम से यहां पे बैठे हैं। आपके मन में शांति है क्योंकि एक अच्छी नीयत के साथ मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार एक अच्छी नीयत के साथ काम कर रही है। एक और आपको उदाहरण देता हूं साथियों, पर्सनल उदाहरण। बहुत वर्ष हुए हम लोग ऐसे ट्रेनों में चलते आए जिन ट्रेनों में बैठो तो लगता है कि जैसे किसी झूले में बैठे हो भाई। खाना खाओ आधे घंटे में पच ही जाए, इतना हिलना डुलना, कभी गाड़ी चले कभी बंद हो। मोदी जी ने कहा ट्रेन ऐसी बनाओ कि दुनिया आके देखे उसको, दुनिया आके देखे उसको। साथियों, जब भी कोई कहता है कि वर्ल्ड क्लास बनाओ तो सबसे पहले हमारे लोग टिकट उठाया, फ्लाइट पकड़ी, पहुंच गए जर्मनी, पहुंच गए जापान, पहुंच गए फ्रांस, फोटो खींचे, ये ट्रेन है भाई, ये ट्रेन है, ऐसी है ऐसी है, और लेके आ गए। मोदी जी को बोला कि ये है साफ ट्रेन, ऐसी लेके आएंगे हम। कहां से लाओगे? फ्रांस से लेके आएंगे, जापान से लेके आएंगे, जर्मनी से। मोदी जी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ट्रेन वर्ल्ड क्लास बनेगी, हिंदुस्तान में बनेगी, हिंदुस्तान के इंजीनियर्स को बनाएंगे, हिंदुस्तान के टेक्नीशियन, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर उसका निर्माण करेंगे। साथियों, हिम्मत चाहिए होती है इस तरह के निर्णय लेने में। बहुत आसान है बाहर से कुछ भी उठा के ले आना, बहुत कष्ट होता है, बहुत मेहनत पड़ती है, बहुत दिमाग लगता है अपनी खुद की चीज निर्माण करने में। लेकिन उस नेतृत्व का, मोदी जी का जो भरोसा था इंजीनियर्स पे, वो भरोसा सच्चा निकला। वर्ल्ड क्लास वंदे भारत ट्रेन बनी। आप में से कितने लोगों ने वीडियो देखा है वंदे भारत का? कितने लोगों ने यात्रा की है? कम लोगों ने। आपको इस तरफ वंदे भारत लानी पड़ेगी, आसान नहीं है, मुश्किल है काम, फिर भी लानी पड़ेगी। कितने लोगों ने वो वीडियो देखा है? 180 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है और पानी का ग्लास जस का तस वहां पे पड़ा है। कितने लोगों ने देखा वीडियो? जिन्होंने नहीं दिखा आज देख लेना भैया, YouTube पे आज देख ही लेना पक्का। बड़ा गर्व होगा, छाती फूलेगी अभिमान के साथ कि मेरे देश में, मेरे देश के इंजीनियर्स ने एक ऐसी चीज बनाई है, 180 की स्पीड पे चलने वाली गाड़ी में पानी का ग्लास रखा हुआ है और वो पानी का ग्लास हिलता नहीं है। पानी का ग्लास तो नहीं हिला साथियों, सारी दुनिया हिल गई, सारी दुनिया हिल गई। आज 18 देशों के अखबारों में वंदे भारत ट्रेन के बारे में खबरें छप रही हैं। 18 देशों के अखबारों में हलचल मची हुई, दुनिया में हलचल मची हुई है कि हिंदुस्तान ऐसी ट्रेन बना दिया कि केवल अपने देश के लिए नहीं, सारी दुनिया में हिंदुस्तान से ही ट्रेनें बन के जाएगी, अब सारी दुनिया में हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होएगा। ये होता है साथियों जज्बा नए काम करने का। अगर हमको सहारनपुर से दिल्ली के बीच में वंदे भारत ट्रेन चलानी है तो मोदी जी तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। पहुंचेगी, पहुंचेगी, देखे कैसे पहुंचेगी, पहुंचेगी। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, फिर जोर से एकदम मुट्ठी बांधो चौधरियों की तरह भाई, हिम्मत के साथ बोलो भारत माता की, भारत।